अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राहिल बेग और एक वेलकम टू एके आर्ट। और आज हम संबारा आर्ट गैलरी में हैं, जहाँ पर खूबसूरत शाहकार फन पारे एक से बढ़कर एक इस एग्जीबिशन में शामिल हैं। और ये खूबसूरत इवेंट जहाँ पर फन मुसव्वरी को फ़रोग देते हैं, वहीं पर शहर की रौनक में भी इजाफे का बायस है। इस तरह के प्रोग्राम्स ना कि सिर्फ शहर बल्कि मुल्क भर का मस्बत तासुर दुनिया भर में उजागर करते हैं, और इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद होते रहना चाहिए। वेलकम टू ए के आर। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान और आज मैंने ये शो जिसमें हम खड़े हैं ये क्यूरेट किया है, और ये समारा आर्ट गैलरी में है। और मैं इसमें दो ही चीज़ें बात बोलना चाहूँगा कि दो खुशी की बातें। एक तो ये कि ये इस शो से ये एहसास होता है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि सिंध कल्चर डिपार्टमेंट ने इसको सपोर्ट किया है। ये सिंध कल्चर डिपार्टमेंट की जगह है। और जो इस शो की थीम कह लें या डिस्कशन कह लें, इट्स अबाउट क्लाइमेट। और क्लाइमेट जो है वो किसी एक इंसान का या किसी एक बंदे का, एक मुल्क का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम गौर व फिक्र कर रहे हैं। आया कि बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, तो इसमें जो आर्टिस्ट आए उन्होंने बहुत सेंसिटिविटी से, बहुत खूबसूरती से और अपने अंदाज से अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी अपनी जहन को रखते हुए क्लाइमेट चेंज जो है उस पर काम किया है। और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी पानी, पौधे या किसी बादल का नाम है, इट्स अ माहौल। वो माहौल आपके घर से लेके दुनिया के हर कोने तक है। तो हर किसी का बड़ा एक यूनिक अंदाज है, बड़ा खूबसूरत अंदाज है और बहुत फोकसली उन्होंने इस पर काम किया है। तो मैं सब आर्टिस्ट को, कल्चर डिपार्टमेंट को और ए के आर्ट दोनों सबको थैंक यू कहता हूँ। आदाब, मेरा नाम समीना नज़ीर है। तो आज हम सब यहाँ आर्ट फेस्ट में जमा है जिसके क्यूरेटर ज़ीशान हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं कराची में होती रहनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ऐसे आर्ट एग्जिबिशंस, परफॉर्मिंग आर्ट एग्जिबिशंस या थिएटर एक्टिविटीज़ हों, तो इसमें इसकी कवरेज के लिए ए के आर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। शुक्रिया। वेलकम टू ए के आर्ट। मेरा नाम नज़रुल इस्लाम है और मैं एक एग्जिबिशन का हिस्सा हूँ इस वक्त, और ये एग्जिबिशन हो रही है समारा आर्ट गैलरी में सिंध कल्चर डिपार्टमेंट के ज़रिए। और इसका जो मोटिव है ये करने का, वो ये है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जाए, अवेयरनेस दी जाए लोगों को। और यहाँ पे जितना काम है बे इंतहा ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा काम है, और ये ऑर्गेनाइज करवाया है सर मोहम्मद ज़ीशान ने। वेलकम टू ए के आर्ट। मेरा नाम शीमा खान है और मेरा काम यहाँ डिस्प्ले है। आज मोहम्मद ज़ीशान ने शो क्यूरेट किया है एट संभारा आर्ट गैलरी, और ये शो बेस करता है इंक, अर्थ एंड विजन के ऊपर। तो मेरा काम भी यहाँ डिस्प्ले है। मेरा काम जो है इन्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर हम दो तरह के इन्वायरमेंट्स देखते हैं। एक वो इन्वायरमेंट जो नेचर ने हमें दिया है, और एक इन वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो हमने खुद बनाया है। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू ए के आर। आज हम खड़े हैं संभारा आर्ट गैलरी में, जहाँ पे कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आर्ट फेस्ट कराची का इनेकाद हुआ है। इस शो को मोहम्मद ज़ीशान ने क्यूरेट किया है। ज़बरदस्त किस्म की एफर्ट है जिसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से कंसर्न शो किए हैं। मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान भर से जिन्होंने इसमें शिरकत की है, और मेरा ख्याल है कि ये अवेयरनेस फैलाना इस वक्त की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आने वाली जनरेशन को मुतासर कर सकता है, और हम तो इसके असरात अभी से देख रहे हैं, जिस तरह से मौसम बदल रहा है, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और आइंदा आने वाले सालों में हम बहुत बड़ी मुश्किल से बच सकें, इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, इस पर काम करना बहुत इस वक्त की ज़रूरत है। वेलकम टू ए के आर्ट। आज हम संभारा आर्ट गैलरी पर हैं, जहाँ पे आर्ट फेस्ट 2024 का आज ओपनिंग हो रही है, और ये क्यूरेट किया है ज़ीशान ने, मोहम्मद ज़ीशान ने। बहुत ज़बरदस्त शो है। ऑल टुगेदर 50+ आर्टिस्ट हैं मेरा ख्याल में, पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान। और ये एक अच्छा ट्रेडिशन बन गया है कल्चर डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, कि ये हर साल आर्ट फेस्ट मुनक्किद कराते हैं। 2022 में मैंने किया था। हेलो, वेलकम टू ए के आर्ट।
My name is Suzma Asghar. I'm a doctor. I just came here at an exhibition. There's lots of amazing work of bigger artists and some other artists as well. So I just feel overwhelmed seeing the work of different artists. वेलकम टू AKR. बुनियादी तौर पर यह जो आज एग्जीबिशन है वो क्लाइमेट चेंज के सिलसिले में है और क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा टॉपिक है इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर. दुनिया भर की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो तब्दीलियां आ रही हैं वो ऐसी तब्दीलियां हैं जो अगर उसकी रोकथाम नहीं की गई तो आगे चल कर बड़े नुकसान फेस करना पड़ेंगे इंटरनेशनली. लिहाजा तमाम ममालिक में महसूस हो रहा है कि हर साल क्लाइमेट चेंज बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है. इसी तरह से आर्ट के जरिए से लोगों को बताया जा रहा है, उनका अवेयरनेस की जा रही है. इसी तरह से गवर्नमेंट लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी कोशिश की जाएगी. तो मुझे यकीन है कि इन तमाम चैनल्स के जरिए से जब लोगों को एहसास होगा तो आगे के लिए रुकावट बन सकती है और उसमें जो हायर लोग हैं उनको इस बारे में एहसास होगा कि इसमें इनका साथ देना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.